हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्लास ऑफ लर्निंग विद राहुल शर्मा, योर फ्रेंड एंड गाइड। और हाँ, आज की क्लास में डिस्कस करना है ग्लोबलाइजेशन। जी हाँ, ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक क्लास 10 चैप्टर नंबर 4। वी नीड टू वर्क आउट द ग्लोबलाइजेशन। आपने कहा ग्लोबलाइजेशन है क्या, किस चीज को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं? नॉर्मली कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी है। ग्लोबलाइज, टू बी ग्लोबलाइज, मतलब आपने सर एक चीज को ग्लोबलाइज करना, हमने चैप्टर का नाम ही समझ लिया। इस चैप्टर में एक्चुअली बेसिक को क्लियर करना जरूरी है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। सर, एज यू ऑल नो दैट द वर्ल्ड इकोनॉमी इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। जी हाँ, वर्ल्ड ग्रोइंग, सर वर्ल्ड ग्रोइंग नहीं, इट्स ऑल अबाउट वर्ल्ड इकोनॉमी इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। आपने कहा वर्ल्ड की इकोनॉमी बड़ी जल्दी ग्रो कर रही है, जिसके अंदर हमारी इकोनॉमी कनेक्ट हो रही है। आपने कहा सर ये कनेक्शन हम कैसे समझ सकते हैं, तो इसके लिए हम देखते हैं ऑनलाइन। सर शॉपिंग्स देखी हमने, ऑनलाइन शॉपिंग्स दुनिया में कहीं भी कुछ भी कहीं से भी मंगवा लेते हैं, ईजी वे। लेकिन सर पेपर में तो ये नहीं लिखाएंगे ना कि दुनिया में कहीं भी कुछ भी मंगवा लेते हैं, तो देयर वी नीड टू राइट डाउन अ शॉर्ट ऑफ डेफिनेशन। वहां हम क्या लिखेंगे, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिड, आई रिपीट, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटरकनेक्शन। सर थोड़ा चेंज करो, थोड़ा अलग हो गया, तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन, नॉट इंटरकनेक्शन, इंटीग्रेशन बिटवीन द मार्केट्स। जी हाँ, द इंटीग्रेशन बिटवीन द मार्केट्स, मार्केट्स एक साथ जुड़ जाती है। जब मार्केट्स एक साथ जुड़ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज टू बी अ ग्लोबलाइजेशन। जी हाँ, ग्लोबलाइजेशन बन जाता है। अब इस ग्लोबलाइजेशन को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमें कुछ फैक्टर्स क्लियर चाहिए जो अनेबल करते हैं ग्लोबलाइजेशन को। तो यहां पर हम एक टर्म को क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे ये ग्लोबलाइजेशन है क्या। तो दिमाग में एक छोटी चीज आती है, सर ये ग्लोबलाइजेशन की बात की गई तो बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं दिमाग में, यार व्हाट डज मीन बाय दिस ग्लोबलाइजेशन। जी हाँ, ये है क्या, हाउ कैन वी रूल आउट द ग्लोबलाइजेशन। तो दे आर द सर्टन फैक्टर्स, जनरली दे आर द सर्टन फैक्टर्स दैट वी रियली नीड टू वर्क इट आउट। जी हाँ, कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें पता होंगे, सच एज द नंबर वन टेक्नोलॉजी, वी नीड टू वर्क इट। आपने कहा सर टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है। ग्लोबलाइजेशन आपकी वर्क करेगी जब आपकी टेक्नोलॉजी सुपर होगी। आपने कहा सर वी डू हैव द स्मार्टफोन्स, एवरीवन हैव द स्मार्टफोन्स, एवरी अदर हैंड हैव द स्मार्टफोन्स नाउडेज, इट मींस यू आर गुड इन टेक्नोलॉजी। जी हाँ, आप गुड हैं टेक्नोलॉजी में, तो आप ग्लोबलाइजेशन में पैर रख चुके हैं। आपने कहा सर द वेरी फर्स्ट थिंग इज टेक्नोलॉजी। तो यहाँ हमने कहा फैक्टर्स की बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन, तो नंबर वन आता है हमारे पास टेक्नोलॉजी। जी हाँ, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू क्लियर इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी, द फर्स्ट एंड द मोस्ट वन पार्ट। हमें पता लगे हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। अब टेक्नोलॉजी के बाद सेकेंड पार्ट दिमाग में आता है, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कॉम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आई रिपीट माई वर्ड, सो वॉट द डिफरेंस बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन एंड कॉम्युनिकेटिव टेक्नोलॉजी। सर दो अलग चीज़ें, जनरली दो अलग चीज़ें, एक में सिस्टम को ट्रांसप्लांट किया जाता है, एक में सिस्टम बनाया जाता है। जब सिस्टम बनाने की बात करें तो हम बात कर रहे हैं सर टेक्नोलॉजी की, लेकिन जब सिस्टम में ट्रांसप्लांटेशन लेके आ रहे हैं, चेंजेस लेके आ रहे हैं, सब कुछ चीजें हम इधर से उधर कर रहे हैं, कॉम्युनिकेट कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन एंड कॉम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मेक इट क्लियर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉम्युनिकेशन, so here the second point, the first is technology, as we all go through by the technology, हमें पता लगा। second point हमने अभी भी लिखा, हमने बोला सर that is information communication technology, or information or technology communication, then sir we need to work it out one more thing, that is telecommunication. So what is in telecommunication, haven't you the BPOs that are working nowadays in each and every city of India? Sir, दूसरे वर्ड में बोलता हूँ, कॉल सेंटर्स। जी हाँ, कॉल सेंटर्स इंडिया में बहुत सारे कॉल सेंटर्स काम कर रहे हैं। कहाँ से आए इतने कॉल सेंटर्स, किसके लिए काम कर रहे हैं कॉल सेंटर्स? सर ये सारे के सारे कॉल सेंटर्स US के लिए, यूरोप के लिए हैं, जिनकी टेली कॉलिंग इंडिया में हो रही है, जिनको डील किया था। इसका रीजन क्या है, दैट वी आर गुड इन स्पीकिंग कम्युनिटी। जी हाँ, इंडियन स्पीकिंग कम्युनिटी बहुत ज्यादा अच्छी है और चीप इन लेबर है, इसलिए वो सारा काम यहाँ पे आउटसोर्स कर दिया था, वो सारा काम यहाँ पे आउटसोर्स कर दिया था, जिसको लोग इंजॉय करते हैं क्योंकि यहाँ उनको इसके बदले पैसे मिलते हैं, दिल गेट लॉट्स ऑफ गुड मनी, जो उनके कंपेरेटिवली बहुत काम है जो उनको अपने देश में पे करने पड़ते हैं, तो यहाँ पे कर देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, टैली कॉम्युनिकेशन। सो डोंट गेट कंफ्यूज की सर टेक्नोलॉजी फिर इंफॉर्मेशन कॉम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फिर टेली कॉम्युनिकेशन, सर ऑल आर द सेम थिंग। नो, दे आर नॉट द सेम थिंग।
They are the different things. हमें समझना जरूरी है. तो आपने बोला सर नेक्स्ट पॉइंट हमारी जरूरी था टेलीकम्युनिकेशन. तो थर्ड पॉइंट आया हमारा टेलीकम्युनिकेशन. सर डन विथ थ्री. डन विथ थ्री सिर्फ तीन ही हुए हैं अभी तो बाकी है बहुत. मेरे दोस्तों यहाँ पे कई चीजें सीखनी है. आपने कहा सर हमें तीन चीजें आपने बताई अभी तक. सबसे पहले आपने ग्लोबलाइजेशन को बताया. आपने उसकी डेफिनेशन बताई थी सर हम लिख नहीं पाए. राइट ऑन प्लीज. वी कैन राइट ऑन दिस. सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिड. आई रिपीट इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन. It is a process of rapid integration between the markets. Between the markets is known as globalization. सर हमारा एक पॉइंट रह गया. अभी भी आपने फैक्टर्स की बात की. तीन फैक्टर्स हम कर चुके थे. फोर्थ फैक्टर रह गया. दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दैट फैक्टर एनेबल्स ग्लोबलाइजेशन. सर दैट फैक्टर इज नन अदर देन लिबरलाइजेशन. जी हाँ लिबरलाइजेशन. आपने सर लिबरलाइजेशन सर ये वही है जो एलपीजी में पहला वाला होता था. जी हाँ एलपीजी द पॉलिसी दैट वाज अडॉप्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन 1991. दोबारा से एडिट करता हूँ खुद को. नॉट अडॉप्टेड बाय इंडियन. फोर्स्ड ऑन इंडियन गवर्नमेंट. इट वॉज फोर्स्ड ऑन इंडियन गवर्नमेंट. अब कितने फोर्स किया था इसके लिए थोड़ा बुक को खोलो उसको पढ़ो. बिकॉज इन माई लास्ट वीडियोज आई विल टेल यू ऑल दैट कि किसने फोर्स किया था इंडिया को. तो एलपीजी वहां से आया. दिस इज नॉट द लिबरलाइजेशन. जी हाँ फोर्थ पॉइंट लिबरलाइजेशन. आपने कहा सर लिबरलाइजेशन क्या है इसको क्लियर करो. तो सर इसके ना कुछ अलग पार्ट्स होते हैं. जनरली मैंने लिबरेशन के अलग पार्ट कर दिए. दो पार्ट कर दिए. आपने कहा सर दो पार्ट में पहला पार्ट हमें क्या क्लियर करना था. जब लिबरेशन की बात होती है तो बात होती है ट्रेड बैरियर्स की. किसकी बात होती है ट्रेड बैरियर्स. व्हाट डज मीन बाय द ट्रेड बैरियर्स. क्या होता है ट्रेड बैरियर. किसे कहते हैं. हम जब व्यापार कर रहे हैं ऑनेस्ट नोट पे आप बाहर से कुछ मंगवाएंगे. आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं बाहर एक्सपोर्ट करते हैं चीजों को. लेकिन पहले इंडियन गवर्नमेंट क्या करती थी बाहर से कुछ भी इंपोर्ट करती थी तो उस पर टैक्स लगा देती थी. कितना टैक्स बॉस. 15% 20% नहीं 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 100% 200% 300% 500%. किस लिए. ताकि वो चीज़ यहाँ पे आके हमारी मार्केट में आके उतनी महंगी हो जाए जितनी हमारी चीज़ें. ताकि हमारी चीज़ को कहीं ना कहीं पूरी तरह मार्केट से हटा ना दे. ऐसा ना कि हमारी चीज़ मार्केट में 100 रुपये की बिक्री और 5 रुपये की बिक्री हो तो हमारी चीज़ तो बिक्री बंद हो जाएगी. तो इसलिए उस पर टैक्स लग जाता था. टैक्स लगने से वो चीज़ हमारी चीज़ से थोड़ी सी कम बिकती थी. लोग बोलते हम इंडियन नहीं लेंगे हम बाहर की चीज़ नहीं लेंगे. लेकिन ये ट्रेड बैरियर्स में सबसे पहले क्या हुआ टैक्स को हटाया गया. जी हाँ आपने बोला सर इस ट्रेड बैरियर सबसे पहले क्या किया टैक्स को हटाया गया. आपने कहा यहां पे सबसे पहले पॉइंट आउट किया गया कि जितना मैक्सिमम टैक्स लगता था अब उस टैक्स को हटा दिया गया. पहले जितना मर्जी टैक्स लगा सकती थी गवर्नमेंट बट यहाँ पे टैक्स को पूरी तरह से खत्म कर देगा. तो आपने बोला सर टैक्स को खत्म किया गया. नंबर टू सर इट्स ऑल आउट कोटा. नाउ व्हाट डज मीन बाय कोटा. एवरी गवर्नमेंट हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ कोटा फॉर द गुड्स दैट इज टू बी इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड. जी हाँ हर गवर्नमेंट के पास कोटा होता है किसी भी चीज़ को मार्केट में लेने का और मार्केट से बाहर भेजने का. मतलब आपने कहा इंपोर्ट करने का एक्सपोर्ट करने का. वो किसी कंट्री के लिए फॉलो होता है. तो उस चीज़ को यहाँ पे ख़त्म किया गया. दैट टू बी रिमूव्ड और वैनिश फ्रॉम द सोसाइटी. तो आपने कहा सर कोटा की बात की दैट वॉज अ ट्रेड बैरियर. तो हमने सर अगर लिबरेशन की डेफिनेशन बोलते हैं दैट इज रिस्ट्रिक्शन फ्री ट्रेड. Liberalization means the restriction-free trade. Remember this. This is really very important. You really need to clear this. The restriction-free trade is known as the trade barriers. जिसको हम बोलते हैं liberalization. जी हाँ. Sir, second point इसका clear करना जरूरी है. आपने बोला सर first point clear था हमें trade barriers. Second था impact. What does mean by that? Impact. मतलब उसका क्या फर्क पड़ेगा. आपने बोला liberalization लगाया हमने. जी हाँ liberalization. तो उसका impact क्या है. अब उस इंपैक्ट को समझना जरूरी है. नाउ व्हेन समबडी आस्क यू द इंपैक्ट ऑफ लिबरेशन. अच्छा मैंने इंपैक्ट किया किसी चीज की वर्कआउट की. मैंने कहा इसका फर्क क्या पड़ेगा. सर दो फर्क हो सकते हैं जनरली. या तो पॉजिटिव होगा. रिमेंबर दिस इधर इट्स अ पॉजिटिव इंपैक्ट और वी आर गोइंग टू हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट. रिमेंबर आपने कहा सर इसके दो पॉइंट होते हैं. द फर्स्ट वन पॉजिटिव एंड द अदर वन नेगेटिव. या दैट्स ट्रू. The positive or the negative. We are having the two impacts of liberation.
जी मार्केट में आपने बोला सर लिबरेशन को समझना था, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना था, उस कॉन्सेप्ट के दो इंपैक्ट हो सकते थे, वेदर इट बी अ पॉजिटिव इंपैक्ट और द नेगेटिव। या तो उसका आपके ट्रेड पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा या आपका ट्रेड पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिवली इंडिया के लिए बहुत अच्छा रहा, हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला इसका। तो आपने कहा सर यहाँ हमने क्लियर कर लिया, वी आर गोइंग टू हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ दिस लिबरलाइजेशन सिस्टम। नाउ टाइम टू डिस्कस सर्टन पॉइंट। जी हाँ, अगर आपको इस चैप्टर में पूरे नंबर लेने, यू नीड टू गेट कंप्लीट मार्क्स इन दिस, यू नीड टू क्लियर दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए कुछ नॉर्म्स को समझना जरूरी है। द फर्स्ट एंड द मोस्ट मॉड, एज आई सेड यू अर्लियर, आपने बोला सर ग्लोबलाइजेशन का बेसिक मीनिंग है एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, और वी कैन से द रैपिड प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन मार्केट। जब मार्केट्स इंटीग्रेट होती हैं तो इसका पहला पॉइंट होता है एक्सपेंशन ऑफ मार्केट्स। क्या आता है? एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, द वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड टू क्लियर। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, नाउ यू डू नो व्हाट डज मीन बाय एक्सपेंशन। जी हाँ, हमारी मार्केट बढ़ रही है, हमारी मार्केट में एक्सपेंशन हो रहा है, मार्केट आर राइजिंग, बढ़ रही है क्योंकि हमारी रीच बढ़ चुकी है। सच एज व्हेन यू रिलीज इट ऑन योर कंप्यूटर और लैपटॉप, यू कैन ऑर्डर एनीथिंग थ्रू द वर्ल्ड। जी हाँ, पूरी दुनिया में कहीं से भी कुछ भी मंगवा सकते हैं। आपने कहा सर एक्सपेंशन हो गया मार्केट का, अब मार्केट लिमिटेड नहीं, व्हाई आई एम लिविंग इन पटेल नगर इन न्यू दिल्ली, आई कैन गो इन पटेल नगर मार्केट फॉर न्यू दिल्ली मार्केट एनीवेयर, बट नॉट नाउ, आई कैन गो एनीवेयर इन द एंटायर वर्ल्ड थ्रू दैट ऑनलाइन सिस्टम। जी हाँ, पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी चीज़ जो मुझे पसंद आएगी वहां से परचेजिंग करूंगा, और सिक्योरिटी के ऑप्शन को क्लिक करूंगा, जो कैश ऑन डिलीवरी मैं उसको पेमेंट करूंगा। The first thing that all is very very important, आपने बोला सर this is all about expansion of market। जी हाँ, अब आता है हमारा second part जो इस chapter की backbone है। आपने कहा सर इस chapter की backbone है, what does mean by this? अगर इस chapter को आपको clear करना है, you need to clear this, that is the role of MNC, the role of multinational companies। ये हमें on tip चाहिए। आपने कहा सर नंबर टू, रोल ऑफ MNCs। अब इस रोल ऑफ MNCs को मैं आगे तीन पार्ट्स में डाल सकता हूं। आई कैन एक्सप्लेन द रोल ऑफ MNCs इन थ्री डिफरेंट पार्ट्स। आपने कहा सर इसका एग्जांपल प्लीज बताएगा ताकि हम इसको क्लियर कर लें। द फर्स्ट एंड द मोस्ट मॉन्ट यू नीड टू राइट ऑन योर माइंड, मेक श्योर पेपर में आप में मेंशन करेंगे। आपने कहा सर अगर रोल ऑफ MNC आता है पेपर में, क्वेश्चन आता है रोल ऑफ MNC, तो हम क्या लिखेंगे? हम बताएंगे क्या रोल था, जिसमें सबसे पहला पार्ट होता है बाइंग अप टू द लोकल कंपनीज। जी हाँ, बाइंग अप द लोकल कंपनीज। MNCs क्या करती हैं? जैसे आपकी मार्केट में एंटर होती हैं, जो भी लोकल कंपनीज होती हैं उनको खरीद लेती हैं, उनको खरीदती हैं ताकि वो लोकल कस्टमर से डील कर पाएं। कैसे डील कर पाएंगे? जो मार्केट में आपके प्रोडक्ट बिक रहा है, जो लोकल कंपनी बेच रही है, अब वो कंपनी किसके अंदर चलेगी? MNC के। नाउ MNCs हैविंग अ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द कस्टमर्स, बिकॉज दैट लोकल कंपनी इज हैविंग रिलेशन विद ऑल ऑफ यू गाइस। उनका यहां पे आपके साथ रिलेशन था, जो कि उस कंपनी को खरीदने के बाद वो MNC खुद ले लेती है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपके NCERT में दिया हुआ है, जब आप पढ़ते हैं कारगिल फूड प्रोडक्ट। जी हाँ, कारगिल फूड प्रोडक्ट एक MNC है जो कि अमेरिकन कंपनी है। जी हाँ, एक MNC जो पूरी तरह से अमेरिकन है, उसने क्या किया? उसने इंडिया में आके इंडिया की एक कंपनी जिसका क्या नाम था हमारा परक, जी हाँ परक फूड को क्या किया? बाय कर लिया। उस परक फूड को बाय करने के बाद, जबकि परक फूड की क्या थी? लोकल मार्केट में बहुत अच्छा होल्ड था। अब जब आपने परक को होल्ड कर लिया, तो परक का जो होल्ड था वो किसके पास चला गया? ऑटोमेटिकली कारगिल फूड कंपनी के पास चला गया। नाउ द कारगिल फूड कंपनी हैव अ डायरेक्ट रिलेशन विद दीज पीपल, तो अब उनका होल्ड हो गया यहां पे। द फर्स्ट एंड द मोस्ट मॉड, बाइंग अप द लोकल कंपनीज, रिमेंबर। बाइंग अप द लोकल कंपनीज। जी हाँ, सबसे पहला आपने काम किया बाइंग अप द लोकल कंपनीज। अब जब पेपर में आप बताएंगे तो आपको सबसे पहले मेंशन करना है ये कारगिल फूड कंपनी ने जो पराग कंपनी को खरीदा, आपको मेंशन करना है। यू नीड टू मेंशन इन द केस ऑफ MNCs का क्वेश्चन अगर आता है तो।
Now, jump up to the second part. Sir, ये second part दिमाग में आ रहा है, तो कई सारी चीज़ आ रही है. Sir, इसमें होता क्या, actually what they're doing? पहले तो छोटी कंपनी को खरीद लिया. Sir, ठीक है. फिर क्या करेंगे सर, ये joining hands with local companies. सर, जो कंपनी नहीं बिकती, जो कंपनी अपने को नहीं बेचना चाहती, तो उससे क्या करते हैं, कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं. क्या करते हैं, कोई एग्रीमेंट करते हैं. कहीं ना कहीं जब हम उससे एग्रीमेंट करेंगे तो हम डायरेक्ट लिंक में आ जाएंगे किसके, कस्टमर के. द फर्स्ट इज बाइंग, द सेकेंड वन ज्वाइनिंग हैंड्स विद लोकल कंपनीज. ज्वाइनिंग हैंड्स विद लोकल कंपनीज, उनके साथ जुड़ जाएं आप. तो आपने कहा सेकेंड पॉइंट, विद लोकल कंपनीज. जी हाँ, द फर्स्ट पॉइंट इज ऑल अबाउट बाइंग द कंपनीज, बाइंग द लोकल कंपनीज, सो दैट यू कैन हैव अ कंप्लीट कंट्रोल. अब कई कंपनीज वो बिकना नहीं चाहती, दो दिन डोंट वांट टू सेल देम, तो आप उनसे क्या करेंगे, किसी भी तरह का क्या करेंगे, आप ज्वाइन कर लेंगे हैंड्स, कोई एक एग्रीमेंट कर लेंगे, जिससे क्या होगा, आपका एक रिलेशन बन जाएगा कंपनी के साथ. द थर्ड वन सर, अब हमने क्या किया सर, कंपनी कोई एग्रीमेंट नहीं करना चाहती, तो हम क्या करते हैं, हम उनको ऑर्डर प्लेस कर देते हैं. हम क्या करते हैं, उनको ऑर्डर प्लेस करते हैं. मुझे पता है यहाँ पे इस यूनिट की बहुत चीज चलती है, ये मेरे से कोई काम नहीं करी, तो सारा ऑर्डर इसको दे दो, यहाँ पे सारा ऑर्डर इसको दे दो, ये माल यहाँ से लाएगा, हमारे पास लेके आएगा, तो लिंक तो आप ऑटोमेटिकली हो गए कस्टमर साथ, बाय प्लेसिंग ऑर्डर्स. थर्ड पॉइंट, बाय प्लेसिंग ऑर्डर. तो आपने कहा सर थर्ड पॉइंट आ गया हमारा, प्लेसिंग ऑर्डर. So, यहां पे हो गए हमारे दो पॉइंट कंप्लीट. द फर्स्ट सर, वी ऑल नो दैट द एक्सपेंशन मार्केट, यू नो हाउ टू राइट ऑन द एक्सपेंशन मार्केट. देन जंप अप टू द सेकंड पार्ट, द रोल ऑफ एमएनसीज, यू नो हाउ टू एक्सप्लेन द रोल ऑफ एमएनसीज. नेक्स्ट पॉइंट, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, व्हाट डज मीन बाय दिस. अब यहां पे अगर आप देखते हैं तो कई बुक्स ने इस पॉइंट को सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के नाम से दिखाया. मैंने आपको दिखाया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यहां से बाहर से पैसा आके इंडिया में इन्वेस्ट होता है. इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हैं, मेक इन इंडिया. जी हाँ, मेक इन इंडिया जो आजकल इंडिया में चल रहा है, आप सब जानते हैं. वहां पे क्या किया गया, बाहर की कंपनीज यहां आके पैसा इन्वेस्ट कर रही है, यहां पे आके इंडस्ट्री सेटअप कर रही है, जिससे क्या हो रहा है, बेनिफिट डेफिनेटली दोनों को हो रहा है. That is the norm known as the FDI, foreign direct investment. इसे आप investment भी कह सकते हैं. And then the last point that you really need to know, and most of the books or the refresher of class 10 doesn't mention this. जी हाँ, इसको mention नहीं किया. That is outsourcing. क्या है outsourcing? अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको example दिया था BPOs का. जी हाँ, BPOs का. आपने कहा सर जो कॉल सेंटर्स काम कर रहे हैं हर जगह, इसमें क्या हो रहा है, जो चीज जहां पे सस्ती और बढ़िया मिल रही है, हम उसका ऑर्डर वहां प्लेस कर देते हैं. वी प्लेस द ऑर्डर ऑफ द थिंग्स दैट आर कमिंग आउट चीप एंड बेस्ट, व्हेरेवर इट इज, दैट इज नोन टू बी आउटसोर्सिंग. जी हाँ, फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज आउटसोर्सिंग. तो ये था चैप्टर आप लोगों के लिए. होप आप लोगों ने पूरी तरह वर्कआउट किया हो. हाँ, अगर आपको ऐसे और चैप्टर चाहिए हो और फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इफ यू रियली थिंक इट्स वर्थ टू वॉच एंड शेयर. टिल देन कीप वॉचिंग, बिकॉज गोइंग टू गेट लॉट्स ऑफ वीडियोज फॉर यू गाइस. रिमेंबर टू चेक आउट द प्लेलिस्ट, बिकॉज